राहुल गांधी ने विपक्ष का नेता सदन में बनने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जमी जमाई पीच को छीन लिया है, उसके बाद से बालक बुद्धि कहें या बैल बुद्धि कहें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी पार्टी तिल मिला गई है। तिल मिलाहट का आलम यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को जब बोलने के लिए कुछ नहीं मिल गया है तो वह गालियों पर उतर रहा है। जी हाँ दोस्तों, संसद में वो माँ बहन की गालियां तो कोई नहीं दे सकता ना, संसदीय भाषा है, इसलिए वह बालक बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह चिढ़े हुए हैं, बुरी तरीके से चिढ़े हुए हैं कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों से राहुल गांधी को पप्पू बनाकर हिंदू समाज से काटने की जो साजिश की गई थी, उसी पिच पर एक बार राहुल गांधी उतर गए हैं। अब वह सनातन शिव और हिंदू धर्म की जो परंपरा है उसको लेकर जब आ गए हैं और उनको हिंदू जमातों से बाहर करते हुए जब सदन में चीख चीख कर जब बोला कि प्रधानमंत्री पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, बल्कि नफरत नफरत हिंसा हिंसा रातों दिन फैलाती है, तो इसका कोई जवाब प्रधानमंत्री को सूझ नहीं रहा है। बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, पिच छिन गई है। उनके पास इकलौती ताकत बीजेपी के मुसलमान बचा है, वह भी अब सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता पिछले 10 वर्षों से जुमलेबाजी और हिंदू मुसलमान के नफरत से ऊब चुकी है। और अब इंडिया गठबंधन ने अपने विपक्ष के नेता को जो जिम्मेदारी दी है मोदी से मोर्चे की, वह सदन में बहुत साफ दिखाई दे रही है। 10 वर्षों से आप सड़कों पर तो देख ही रहे।